Hello friends, my name is Srupti and yes, I am back with the new video. In this video, we are going to discuss some important numericals of chapter 2, electrostatic potential and capacitance. In our last video, we have discussed about the quick revision of this chapter and I hope you have enjoyed this video. And yes, I am sure about ki ye jo MCQs aaj hum solve karne wale hain, that is very very important for your exam. ओके एंड यस अगर आपने लास्ट के वीडियो के लेक्चर्स लास्ट वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है देन गो टू द लिंक आपको सारे वीडियो लेक्चर्स टर्म वन एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एमसीक्यूज. ओके नंबर वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट. ये हमने लर्न किया था हमारे लास्ट के वीडियो लेक्चर में. ओके वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इन द सेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके ये हमने लर्न किया था. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम. ओके सो जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो योर आंसर ए विल बी राइट. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. ओके चार्ज क्यू को आपने ओरिजिन पर प्लेस किया. तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है और यहां पर आपने चार्ज क्यू को प्लेस किया है. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट द गिवन पॉइंट इन स्पेस इज वी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज के लिए गिवन पोटेंशियल के लिए क्या है, वी है. द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू पॉइंट. बस ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ही है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. ठीक है मीन्स इन्फिनिटी से चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको लाना है. ठीक है तो वो जो वर्क डन है आपको वो वर्क डन इस क्वेश्चन में बताना है. ठीक है क्या बताना है, वर्क डन द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के प्लेस पे यहां पर हम क्यू यूज करेंगे. ओके सो वी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू. अब हमें डब्ल्यू वर्क डन पता करना है. सो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू क्यू. ओके सो वी इंटू क्यू इज बी. ओके सो बी इज योर आंसर. नंबर थर्ड, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम. ठीक है मीन्स एक इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू हम सपोज कर लेते हैं और उस पर चार्ज 4 कूलम है. ओके इस पे जो वर्क किया गया है W इज इक्वल टू 100 जूल. ओके नाउ फ्रॉम अ प्लेस 4 कूलम फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस. मीन्स एक पॉइंट है आपके पास. ओके हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट आपके पास ये है और एक पॉइंट ये है. ठीक है अब यहां से यहां तक लाने में जो वर्क है इस चार्ज 4 से चार्ज को 4 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में जो वर्क हुआ है दैट इज 100 जूल. अब पॉइंट ए का पोटेंशियल आपको गिवन है -10 वोल्ट एंड बी का पोटेंशियल गिवन नहीं है. पॉइंट बी का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है. ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ वी. तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल वी है. अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वी माइनस यहाँ पर -10 हो जाएगा एंड डब्ल्यू बाई क्यू. ठीक है सो वी प्लस 10 एंड डब्ल्यू की वैल्यू 100 बाई 4 क्या हुआ 25 एंड 25 माइनस 10 इज 15. ओके सो 15 एंड यूनिट वोल्ट 15 वोल्ट. ओके सो योर आंसर डी विल बी करेक्ट 15 वोल्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 3 नैनो कूलम. ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उस पर जो चार्ज है 3 नैनो कूलम है. ओके यहां पर पॉइंट चार्ज है Q और उसकी वैल्यू है 3 नैनो कूलम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू इज कन्वर्टेड टू द ऐसा यूनिट. ओके सो नैनो के लिए 3 × 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे इसे. ओके इस चार्ज पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. ओके एंड डिस्टेंस गिवन है 9 सेंटीमीटर. डिस्टेंस आर गिवन है 9 सेंटीमीटर. तो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है इससे आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट है उस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वी. तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर. बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए सो यू विल बी गेट दिस आंसर. के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एंड क्यू की वैल्यू क्या है इसे थोड़ा सा इरेज करके वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ एंड Q की वैल्यू गिवन है आपके पास क्या 3 नैनो. सो 3 × 10⁻⁹ एंड डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 9 × 10⁻²² से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके मीटर में कन्वर्ट हो गया. ये 10⁹ प्लस का 9 -9 कैंसिल आउट हो गया. ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया. 3 × 10⁻². न्यूमरेटर में जाएगा 10⁻² हो जाएगा. 10⁻² इन द सेंस 100. ओके 300 एंड पोटेंशियल को वोल्ट से डिनोट करते हैं. ठीक है वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल. सो 300 वोल्ट सी इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक होलो स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. एक होलो स्फेरिकल
सरफेस है और जिसका रेडियस, रेडियस क्या है सेंटर से, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर. ओके नाउ सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट. इसके सरफेस पर, इसके क्या सरफेस पर वोल्ट या फिर पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट. तो पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पर आपको फाइंड करना है. तो हमने हमेशा ये पढ़ा था कि कोई भी सिमेट्री हो जिसमें आप पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो होता है. बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका जो एक मेन रीजन है, दैट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर सेंटर पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा स्फेरिकल सरफेस का इनसाइड कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. और ये जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, तो हमारा आंसर बी राइट होगा, 10 वोल्ट. अब यहां पर 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस, ये राइट नहीं हो सकता. ये 5 सेंटीमीटर तो ठीक है, बट अवे फ्रॉम द सरफेस एंड टुवर्ड्स द सरफेस क्यों क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि हम, हमारा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी. सो देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन. ओके सो यहां पर डायरेक्शन के लिए ऑप्शन है ही नहीं. सी एंड डी विल बी कैंसल आउट. सो योर आंसर विल बी 10 वोल्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप. ये क्वेश्चन अच्छा है और थोड़ा सा ट्रिकी है. देखिए इसे मैं समझा देती हूँ. एक आपके पास बड़ी बूंद है, बड़ी लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है. और इसी ड्रॉप को, इसी लार्ज ड्रॉप को हमने छोटे छोटे ड्रॉप्स में, छोटे छोटे 8 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब ये जो छोटी वाली बूंद है, छोटी वाली ड्रॉप है, इसका हमने रेडियस आर सपोज कर लिया. ठीक है, रेडियस आर सपोज कर लिया और चार्ज क्यू सपोज कर लिया. और इसके लिए, इसके लिए रेडियस हमने कैपिटल आर सपोज कर लिया. ये बड़ा वाला लिक्विड ड्रॉप है, रेडियस आर एंड चार्ज कैपिटल क्यू सपोज कर लिया. ठीक है, अब देखिए ये लिक्विड ड्रॉप है, मीन सॉलिड स्फीयर है. तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr³. ठीक है, एंड इस छोटी सी एक एक बूंद का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr³. ठीक है, बट इक्वेट क्या होंगे? दोनों इक्वेशंस इक्वेट कब होंगी? जब हम इन सभी बूंद्स के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे. ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे तो कितनी है? 8 है. सो 8 इंटू जो भी वॉल्यूम है एक सिंगल लिक्विड ड्रॉप का, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में. ठीक है, अब इससे हमारा ये हुआ कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के बीच में रिलेशन फाइंड हुआ. ठीक है, 4/3 πr³ ये कैंसिल आउट हुआ. यहां पर r³ = क्या हुआ? 8r³. 8r³ को आप 2 × r³ लिख सकते हैं. ठीक है, ये कैपिटल आर क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, मीन्स आर एंड 2r का रिलेशन यहां से आया, r = 2r. ठीक है, मीन्स इसका जो रेडियस है वो हाफ है इसके रेडियस. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, हमारे पास रिलेशन क्या आया? कैपिटल r = 2r. और चार्ज कैपिटल Q ये किसका था? बड़ी वाली लिक्विड ड्रॉप का. ठीक है, और छोटी वाली लिक्विड ड्रॉप का चार्ज कितना है? Q. बट ये एक ड्रॉप के लिए है. ठीक है, सिंगल ड्रॉप के लिए है. अब इन दोनों को इक्वेट करना है, सो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीन्स कैपिटल क्यू के प्लेस पे हम 8q पुट कर सकते हैं. ओके सो हमारे पास r एंड qr ये वैल्यूज आ गई. बस इन दोनों वैल्यूज की ही जरूरत थी इस क्वेश्चन में. अब हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं. पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k q/r. अब ये जो पोटेंशियल है ये मैंने लिखा है बड़ी वाली ड्रॉप के लिए. ठीक है, जो लार्ज लिक्विड ड्रॉप है उसके लिए. इसके लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हम पहले एज इट इज लिखते हैं, v = k q/r. ठीक है, ये तो लिखा. अब यहाँ पर जो सिंगल ड्रॉप है, जो छोटी छोटी बूंदे हैं, उनके लिए हम v डैश कर लेते हैं. उसके लिए हम पोटेंशियल क्या सपोज कर लेते हैं? v डैश. अब यहाँ पर k q के प्लेस पे सिंगल के लिए स्मॉल q. ठीक है, और रेडियस क्या है? स्मॉल r. ओके, अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे. ठीक है, इन दोनों का आप डिवाइड कर दो. ओके, तो एक कंपेरिजन से आपको वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी. v/v. अब यहां से k से क्या कैंसिल हो गया? q के प्लेस पे हम 8q पुट कर सकते हैं. सो हमने 8q पुट किया. r के प्लेस पे 2r पुट कर सकते हैं, तो 2r पुट किया. एंड q/r, तो एज इट इज ये r से r कैंसिल, q से q कैंसिल, एंड 2 से 8 कैंसिल, 2 × 4 = 8 हुआ. v = 2. यहाँ पर 4v- हुआ. v की वैल्यू, कैपिटल v की वैल्यू यहाँ गिवन है 20. सो 20/4 हो जाएगा. सो v- आपका आया 5 वोल्ट. ओके, मीन सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? 5 वोल्ट. सो योर आंसर सी विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद डिस्टेंस r. r के साथ डिस्टेंस मेंटेन करता है डायपोल. ठीक है, ये डायपोल है आपका, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r. अब आपको पोटेंशियल फाइंड करना है इस डायपोल का. तो पोटेंशियल होगा v = k p cos θ/r². ओके, मीन्स v और r का जो रिलेशन है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस. ओके, सो यहां पर 1/r² इज योर आंसर. द पोटेंशियल इन द इक्विटोरियल प्लेन. अभी इसी में इक्विटोरियल प्लेन के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री.
ओके, और कॉस 90 जीरो होगा, सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो. सो बी इज योर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस एक्स. ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मीन्स वही डाइपोल है आपके पास, प्लस क्यू है माइनस क्यू है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स. ओके, फ्रॉम ईच अदर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वेरी फार पॉइंट विल डिपेंड, मीन्स इस डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वही डेफिनेशन, वी इज इक्वल टू क्या है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. ये जो आर स्क्वायर है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल टू दैट पॉइंट इन दिस ऑन दिस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, नाउ वी इज इक्वल टू क्या होगा, के. अब ये जो पी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू वन चार्ज. ठीक है, डाइपोल का एक चार्ज लेते हैं एंड उनका बीच का डिस्टेंस, तो क्यू इंटू एक्स, और क्यू इंटू एक्स के जो रिलेशन है वो है आपका सी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, अगर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी माइनस डीवी बाई डीएक्स. ये हमने रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में. अगर आप वी यहां कॉन्स्टेंट करते हो, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. बी, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, मीन्स हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया इस तरह से. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव हो जाती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है रेस्ट से, उसको रिलीज किया है. ठीक है, पहले इनिशियली वो रेस्ट पे था, फिर उसे रिलीज किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो हमेशा आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिफाइन करते हैं. तो इन दोनों का जो आपके पास इक्वेशन है, के क्यू बाई आर एंड यहां पर के क्यू वन क्यू टू बाई आर, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो रिलेशन है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. ठीक है, यहां पर भी एनर्जी डिक्रीज होगी. सो डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है चार्ज, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा. ठीक है, सो आंसर सी विल बी करेक्ट. अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल, पोटेंशियल कहां पर हाई होगा कहां पर लो होगा. तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आर पर डिपेंड करता है. जहां पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट ही हुई है यहां से. ठीक है, यहां से स्टार्ट ही हुई है, तो धीरे धीरे क्या होंगी, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. मीन्स बी पर पोटेंशियल हाई होगा, फिर सी पर उससे बी से कम होगा, फिर ए पर सबसे कम होगा. इस तरह से पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा. ओके, सो हाइएस्ट एट पॉइंट बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सर्फेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका एंड जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, आपके पास जो चार्जेस हैं उनका टोटल सम जीरो के बराबर नहीं है. तो इस क्वेश्चन में आपको चार्जेस को अप्रोक्सीमेटली क्या कंसिडर करना है, पॉइंट चार्ज. ठीक है, क्योंकि आप एक पॉइंट लेते हैं, अनदर पॉइंट लेते हैं और वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हम अदर चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया है, और पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हमने पढ़ा है. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, स्फेरिकल. ओके, सो योर आंसर ए विल बी करेक्ट. सेकंड मींस नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, मींस टू चार्जेस हैं, चार्ज फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. ये क्या है, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर हैं. 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, मीटर में कन्वर्ट करें तो 10^-10 मीटर होता है. ओके, अब इनकी चार्जेस की वैल्यूज तो आपको पता ही है, चार्जेस की वैल्यू सेम होती है बट नेचर ऑपोजिट होता है, एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है अदर. ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, डिवाइडेड बाय आर डिस्टेंस होगा, और एक्चुअली माइनस यहां पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करता है, जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है चार्जेस के नेचर पर. ठीक है, अब यहां स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो एनर्जी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही है. अगर एक नेगेटिव होगा तो आंसर आपका नेगेटिव होगा. तो यहां पर भी एक नेगेटिव है आपका, इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. के की वैल्यू होती है 9 × 10^9 एंड क्यू वन की वैल्यू 1.6 × 10^-19. ठीक है, एंड अगेन 1.6 × 10^-19. ओके, -19 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 10^-10. तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे, सो नेगेटिव आंसर आना ही है, तो नेगेटिव इज योर आंसर सी. ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो. अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी जो है वो अगर आप जीरो ले, ठीक है, पोटेंशियल जीरो ले, तो
इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ एक इंसुलेटर है या कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या डाइलेक्ट्रिक है। तो अर्थ के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि अर्थ इज अ क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे आप वहां पर। तो एक्चुअली अर्थ का ऐसा बिहेवियर होता है, इसमें कंडक्टर है या पोटेंशियल मैग्नेटिक मैग्नेटिक फीचर शो कर रही है, इन द सेंस कंडक्टर है, ठीक है। सो योर आंसर बी विल बी करेक्ट, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आप जीरो कंसिडर कर लें तो अर्थ क्या है, एक गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो सकती है प्रेजेंट। नाउ सपोज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एज शोन इन फिलो, टू चार्जेस ये आपको दिया है Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस ओरिजिन से -9 सेंटीमीटर, ठीक है, सेकंड चार्ज के लिए और प्लस फर्स्ट चार्ज के लिए 9 सेंटीमीटर। दोनों के लिए जो R1 है, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज की डिस्टेंस हम R1 और R2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो R × 10⁻²⁪ मीटर हो जाएगा एंड ये -9 × 10⁻², वैसे डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1V1+Q2V2+KQ1Q2/R, ओके। अब ये जो R1 है ये 1, 2 दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है, ठीक है, मीन्स यहां से डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें सो 9, R1 2 मीन्स R1 - R2, और इसे क्या करना है आपको मॉड में वैल्यूज लेना है, ठीक है। सो 9 माइनस, ये -9 है सो -9, सो हो जाएगा आपका 18, ठीक है, R1 2 के प्लेस पे आप 18 पुट करेंगे, ओके। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास यू का है Q1V1+Q2V2+KQ1Q2/R12², अब यहां पर V1 की वैल्यू तो आपके पास नहीं है, V2 की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, बट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, चार्जेस हैं, V1 V2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। सो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E=A/1R², अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, E=V/R होगा, ठीक है, dV/dr से V/R, सो यहां से पोटेंशियल हो जाएगा E·dr, तो E की वैल्यू है A/R², ठीक है, R से R कैंसिल, सो A/R, तो V के प्लेस में हम A/R पुट करेंगे, सो इसे कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 449.3 जूल, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है आपके पास 1000 वोल्ट पर मीटर, ओके, इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इसके उसका एंगल गिवन है, क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पी की वैल्यू भी आपको गिवन है 10⁻²⁹ कूलम मीटर, ओके। सो ये 3 कॉम्पोनेंट्स आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है -PE cos θ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन इस फॉर्मूले के थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव होता है क्योंकि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। अब यहां पर P की वैल्यू को पुट कर देंगे आप, E की वैल्यू पुट कर देंगे और cos 45 1/√2 ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर होगा D −7 × 10⁻²⁵ जूल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल V=0, मींस आपके पास कोई फाइनाइट वैल्यू है पोटेंशियल की, ठीक है, ये हमने बोल दिया, एंड देयर आर नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, आउटसाइड में एक कंडक्टर है, इसके आउटसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है और पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ है, गिवन है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो पोटेंशियल या तो सरफेस पे कुछ होगा चार्ज या फिर इनसाइड होगा, ठीक है, भले ही आउटसाइड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू जीरो है बट इस कंडक्टर के या तो सरफेस पे या इनसाइड क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, नॉट जीरो होगी, तभी यहां पर पोटेंशियल की वैल्यूज आएगी, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है और इसमें पोटेंशियल जीरो नहीं है, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सरफेस में और इनसाइड चार्ज की वैल्यू जीरो है, क्यों, क्योंकि हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है V=KQ/R, मीन्स पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन चार्ज, ओके, पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज की वैल्यू है मीन्स पोटेंशियल है, ओके। सो योर आंसर ए विल बी करेक्ट, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। अब ये क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कैपेसिटेंस शुरू होता है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है चार्ज और पोटेंशियल से रिलेटेड वो होती है Q=CV, ओके, Q=CV। अब यहां पर हमारे पास दिया हुआ है चार्ज की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू तो सेम है बट इन टू केसेस में, ए और बी, इन टू केसेस में हमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों की वैल्यूज डिफरेंट दी हुई है, ठीक है, C1V1 दिया हुआ है फर्स्ट के लिए एंड C2V2 दिया हुआ है सेकंड के लिए, चार्ज की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ में भी चार्ज की वैल्यू A और B के लिए सेम है बट पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, एंड यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, ठीक है। अब यहां आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हाईएस्ट कैपेसिटेंस, किसकी कैपेसिटेंस हाईएस्ट होगी, ओके। सो यहां पर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो रिलेशन होगा, कैपेसिटेंस मीन C1=, क्या होगा, Q/V1 एंड C2=, क्या होगा, Q/V2, ओके, Q कॉमन है
ओके क्यू क्या है कॉमन है। अब यहां से हम सी वन डिवाइडेड बाय सी टू करें तो आपके पास होगा वी टू डिवाइडेड बाय वी वन, यानी कि पोटेंशियल जिसका हाई होगा कैपेसिटेंस उसका डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां आप पॉइंट बी पर देख सकते हैं पोटेंशियल पी का यहां पर हाई दिखा रहा है। इन द सेंस क्या होगा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस किसका हाई है आपको ये पूछा है, तो कैपेसिटेंस इस ए वाले पोटेंशियल का हाई होगा क्योंकि पोटेंशियल इसका कम है। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बीच में जो रिलेशन होता है पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। अगर पोटेंशियल हाई है तो कैपेसिटेंस लो होगा, और कैपेसिटेंस हाई है तो पोटेंशियल लो होगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स आर एट पोटेंशियल -10 वोल्ट एंड 30 वोल्ट। ठीक है, टू प्लेट्स आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जिनपे फर्स्ट पे 10 वोल्ट है, सेकंड पे 30 वोल्ट है। इफ द सेपरेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो डी है डिस्टेंस है वो है डी, और उसकी वैल्यू है 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपके पास ई का फॉर्मूला होता है, ई और वी के बीच में जो फॉर्मूला ई इज इक्वल टू वी बाई डी, बस ये फॉर्मूला आपको पुट करना है और वैल्यूज आपको यहां पर पुट करनी है। वी की वैल्यू, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स 30 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, -10 एंड डिवाइडेड बाई डी 2। ओके सो 30 प्लस 10 40 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 20 एंड वोल्ट वोल्टेज के लिए वोल्ट, और डी के लिए डिस्टेंस के लिए मीटर, वोल्ट पर मीटर। सो ए यूर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी की वैल्यू आपको गिवन है 2000 वोल्ट। ओके दोनों प्लेट्स सेपरेटेड 2 मिलीमीटर, मींस डी की वैल्यू आपके पास 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में, सो 10^-3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है आपको। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। ओके ई मीन्स चार्ज, चार्ज जो भी यहाँ पे गिवन है आपके पास चार्ज ये, ठीक है, ई की वैल्यू, या क्यू भी लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं चार्ज की वैल्यू को, 4 × 10^-6। ओके तो आपको फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सो सिंपली ई इज इक्वल टू वी बाई डी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ई की वैल्यू को फाइंड कर ले, यहां से ई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाई 2 × 10^-3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 10^3, यहाँ 10^3 हो जाएगा, सो 10^6 हो जाएगा। ठीक है, ये ई की वैल्यू आ गई। अब एफ की वैल्यू ई इंटू ई, तो ई की वैल्यू है 4 × 10^-6 एंड हियर 10^6, तो दोनों कैंसिल आउट, सो योर आंसर 4 न्यूटन इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती है पैरेलल प्लेट। नाउ सर्कुलर के लिए सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू 8 × 10^-2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया इसका एरिया, सर्कल का एरिया। प्लेट्स जो है वो डी डिस्टेंस पर सेपरेट है, मीन्स इसका जो सेपरेशन है 1 × मिलीमीटर है, तो 10^-3 मीटर। ठीक है, तो ए एंड डी आपको गिवन है। अब नेक्स्ट आपको पूछा है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू 100 वोल्ट है, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ए गिवन है, डी गिवन है, वी गिवन है, तो पहले सी को फाइंड कर ले। ठीक है, सी को फाइंड कर ले, सो सी इज इक्वल टू होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10^-12, ए की वैल्यू यहां से एंड डी की वैल्यू ये है, तो यहां से आपको सी हो जाएगा, आपको सी यहां से पता चल जाएगा, सी एंड वी पता है, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, इस फॉर्मूले से पुट कर देंगे, तो आपके पास 1.78 × 10^-8, ये आपका आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में है। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है, मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। डायरेक्टली फॉर्मूला सी इज इक्वल टू C1 × C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे, सो आपके पास आंसर सी। ठीक है, जो भी वैल्यूज आएगी, अच्छा ये जो सी है, सी इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। अब एप्सिलॉन नॉट ये तो क्या है, एल के लिए है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हो तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड डिवाइडेड बाय डी। ओके सो इस फॉर्मूले के थ्रू हम सी फाइंड कर लेंगे, सी वन सी टू फाइंड कर लेंगे, और इस वैल्यू सी वन एंड सी टू की वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर सी आएगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ 26th क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ऑफ ब्रोक डाउन वोल्टेज वी आर जॉइंट इन सीरीज। ठीक है, आपके पास थ्री कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में एड है। ठीक है, थ्री कैपेसिटर है सीरीज में एड है, इन द सेंस इसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 1/C1, 1/C2 + 1/C3। कैपेसिटेंस की वैल्यू तीनों में सेम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है तीनों में, सो 1/C + 1/C + 1/C, इन द सेंस 3/C, सो सी इज इक्वल टू होगा C/3, ये हुआ। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होगा दैट इज C/3, ए योर आंसर।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर्स हैं आपके पास, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, और तीनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो 120 है, ओके इनिशियली। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, सो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ओके इसका एलसीएम लेंगे, सो 6, 2 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 4/6, सो सी इज इक्वल टू होगा 3/2, ये होगा। सी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, वोल्ट की सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू 120 वोल्ट, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू सी वी, चार्ज हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, सी की वैल्यू 3/2 इंटू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, ये तीनों में तीनों के लिए वोल्टेज है बट पोटेंशियल डिफरेंस है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में कैपेसिटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ से इसीलिए हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, सो 60 मीन्स चार्ज की वैल्यू क्या हुई 180। यहाँ पर सीरीज में अगर कैपेसिटेंस है तो चार्जेस की वैल्यू सेम होती है बट पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट होता है। तो यहाँ सी कैपिटल सी जो है नेट नेट कैपेसिटेंस आया 3/2 एंड चार्ज की वैल्यू आई 180, सो पोटेंशियल पोटेंशियल अक्रॉस द 3 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल अक्रॉस द 3 माइक्रोफेरेड मीन सी जो है वो आपको 3 माइक्रोफेरेड के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, ओके। सो सी क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो यहाँ से वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी, ठीक है, क्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट है 180 और सी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है 3, सो वी इज इक्वल टू योर आंसर विल बी 60, सो 60D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अब सीरीज में ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में, तो पहले इसे आप सॉल्व करेंगे सीरीज वाले को, ठीक है, सीरीज वाले का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो दोनों पैरेलल बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस सॉल्व करते हैं, सो 1/2 डायरेक्टली सी इज इक्वल टू क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, मीन्स 2 × 2 एंड 4, सो आंसर विल बी 1 माइक्रो फैराड, ठीक है, इन दोनों के लिए। अब ये दोनों ये हो गया इस तरह से, ये 1 माइक्रोफेरेड बन गया दोनों मिला के, और ये है 3 माइक्रोफेरेड, अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड होते हैं डायरेक्टली, सो 3 प्लस 1 4, सो 4 माइक्रोफेरेड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर शोन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो दो टर्मिनल है, अब ए और बी, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये दोनों सीरीज में है, ये नीचे भी सीरीज में, ठीक है, सेम कैपेसिटेंस है सीरीज के लिए, सो वैल्यूज क्या हो जाएंगी सी इंटू सी एंड सी प्लस सी इन द सेंस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ठीक है, मीन सी बाई 2 इसके लिए और सी बाई 2 इसके लिए, इसे 1 कंसिडर कर लेते, सी 1 सी बाई 2 एंड सी 2 सी बाई 2, ये दोनों सेम आएंगे, सेम वैल्यू आएंगे क्योंकि सीरीज में। अब ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगी, सी 3 जो है वो भी सी है, ये तीनों पैरेलल में तो एड हो जाएंगे, तो ये जो डिवाइडेड बाई 2 है मीन हाफ हाफ, ये 1 हो जाएगा और ये 1 1 प्लस 1 2, तो 2 हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय द स्टैकिंग एंड इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली, इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज सी, देन द रिजल्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है वो -1 में होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस आता है वो -1 में होता है, मीन्स एन -1 इंटू सी इज योर आंसर, ठीक है, मीन्स ये जो कैपेसिटेंस होगा वो, क्यों, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में अगर जैसे 3 प्लेट्स आपको गिवन है तो जो आपके पास कैपेसिटेंस होगा वो 2 होगा, ठीक है, प्लेट्स 3 है बट कैपेसिटेंस जितने प्लेट्स है उसका एक माइनस होता है, ठीक है, अगर 4 है तो कैपेसिटेंस 3 होगा, ठीक है, 1 माइनस 4, सो एन -1 इंटू सी इज योर आंसर, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एमसीक्यू सेशन। नाउ नेक्स्ट आपकी क्लास होगी असर्शन रीजन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून्ड विद एनपीसी एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।